यार मैं तो एंजॉय करने आया हूँ, फन करने आया हूँ, मस्ती करने आया हूँ, और आई एम श्योर जो कुछ भी होगा बहुत मज़ेदार होगा। आर यू एक्सपेक्टिंग एनी अवार्ड? इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं आता हूँ, अगर मिला कुछ तो मज़ा आएगा मुझे इंटरव्यू देने में भी, हो सकता है मिल जाए, शायद मिल जाए। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड जरूर मिलने वाला है, पीपल लविंग यू सो मच इन योर कैरेक्टर, लविंग यू, जरूर मिलने वाला है। कौन सा अवार्ड? बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट एक्टर अवार्ड आपको। दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन नहीं, यही मिलने वाला है, देखते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, ऑफ एयर वो होने जा रहा है ऐसा काफी सारे लोग कह रहे हैं, काफी सारी न्यूज आ रही है, आप अगर कुछ इस पे। ओके सो हाँ, ये बात सच है, शो ऑफेयर नहीं जा रहे हैं, कास्ट चेंज हो रही है, हम जो हाँ लीप ले रहे हैं शो, कौन आएगा वो हमें पता नहीं, बट अभी जितने भी लोग हैं हमारे शो में वो सब आई थिंक कहीं और दिखेंगे आपको। मैं कहाँ दिखूँगा? मैं कहीं ना कहीं दिखूँगा ज़रूर, अभी चल रही है बातें, एज ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है, एक प्रोजेक्ट जाता है तो बातें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे ही कुछ कन्फर्मेशन आएगा तो मैं आप सबको बताऊंगा। वापस रोंदी? यार मैं तो मेरा पैशन था एक्टर बनना, मैं एज अ ब्रांड और ये सारी बातों में बिलीव नहीं करता हूँ और ना ही मुझे ऐसा कुछ फील होता है, सो हाँ मैं सिर्फ मेरा पैशन था और मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस